बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने मॉर्निंग रूटीन की का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है। किचन में अपना अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन कर चुकी थी, क्योंकि आज मुझे अपना थोड़ा एक्स्ट्रा काम समझ लें, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा होता है जो हमारी डेली रूटीन पर नहीं होता, वो काम करना था। तो इसलिए फिर मैंने इसका किचन का जो है वो व्लॉग नहीं बनाया। और बस अभी बच्चे सो ही रहे थे, उनके सोने से पहले ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और बस चाय पी थी। चाय पी के फिर मैं यहाँ अंदर रूम में आई हूँ। आज मुझे अपना जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन बस कर नहीं पा रही थी, क्योंकि ना कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जिनको टाइम नहीं दे पाते हैं ना। तो बस जब काम शुरू किया है तो हमज़ा उठ चुका था, आज से स्कूल नहीं गया, आज छुट्टी की है इसने हमज़ा ने ना। तो बस ना मुझे बोलने के ना मैं करता हूँ इसकी क्लीनिंग ना। अच्छा, यहाँ पर मैं इनको बच्चों को ना ब्रेकफास्ट भी करवा चुकी थी। दरमियान में थोड़ा अपना मैंने काम स्टॉप किया, इन लोगों को मैंने ना ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, उसके बाद फिर दोबारा से अपना क्लीनिंग काम का काम स्टार्ट कर दिया। तो हमजा भी आ गया है ना, तो ना मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप करो वाइप ना। इसने यहाँ से ना डस्टिंग करना शुरू की ना, वाइप से कर रहा था। ये देखें मिट्टी देखी ना इसने, मुझे खुद भी हंसी आ रही थी, खुद भी हंस रहा था ना कि इतना ज़्यादा डस्ट था ना। तो बस फिर मैंने इसे ले लिया और यहाँ पर इसकी ना मैंने सारी कुछ सेटिंग की है, ऑर्गेनाइज़ किया इसको, ड्रेसिंग टेबल को हाफ़ को। और अभी हाफ़ नहीं किया था तो मैंने सोचा चले मैं आपको इसकी हाफ़ ना लुक दिखाती हूँ कि देखें मैंने इसको थोड़ा सेट करके ना अपने लिपस्टिक वगैरह हैं और बाकी चीज़ें ना वो सेट की, और सादे कपड़े मैंने जो थे मशीन में डाल दिए थे धोने के लिए, और ये फिर वॉश करके जब बाहर रखे हैं तो अभी मैं इसको बाहर भी डालूंगी ना। तो मैंने सोचा चलो पहले इसको कर लेती हूँ कंप्लीट, क्योंकि अभी हाफ़ और मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे तो एक बार ही सारे मैं बाहर डाल दूँगी स्टैंड पर। यहाँ पर ही इसका हाफ़ जो है ना पार्ट वो मैंने कर चुकी थी ऑर्गेनाइज़, और ये सेकेंड हाफ़ कर रही हूँ। ये आप देखें मैंने हाफ़ में कवर बिछाया है और हाफ़ को इसी तरह से छोड़ दिया है। वो इसलिए यहाँ पर कवर बिछाया है कि ये बिल्कुल डोर के साथ है, और जैसे डोर ओपन करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो फिर ये वाइट ड्रेसिंग टेबल है फिर जल्दी गंदा हो जाता है ना। तो इसलिए फिर मैंने ना इसको क्लीनिंग तो हो जाती है फिर, लेकिन वो मिट्टी आपको पता है वाइट, अगर कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर मिट्टी का कोई धब्बा हो जाए ना तो वो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस डस्ट से बचाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कवर से बिछा दिया है। और जो परफ्यूम है ना, पहले मैंने एक बास्केट में रखे हुए थे, अब मैंने थोड़ी सी इसकी ज़रा सेटिंग चेंज की। एक मेरे पास ये दूसरी बास्केट थी, इसके अंदर मैंने ना सारे परफ्यूम जो थे वो रख लिए थे, सेट कर रही थी इस तरह से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें होती हैं ये तो हम डेली बेस पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं, लेकिन मेरा ड्रेसिंग जो है ना वो काफ़ी टाइम मुझे हो गया था, मैं सेट नहीं कर पा रही थी। मैंने इवन कि अपने रूम की सेटिंग भी की, उसके बाद भी मैं नहीं कर सकी ना। तो ये देखें जो कपड़े थे ना वो सारे अब मैंने मशीन से मतलब लेकर ना और यहाँ पर स्टैंड पर डाल दिए हैं। बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी लेकिन गर्म जो हवा होती है ना वो थी। तो बस वहाँ से मैंने ना कपड़े डाल के मैं अंदर आई हूँ, और फिर आकर मैंने ये जो फाइनल है ना सारा फुल अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मैंने सोचा चले फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, ज़रा जूम ऑन करती हूँ। और ये देखें आप ना, यहाँ एक साइड पर मैंने अपने सारे लिपस्टिक्स वगैरह रख लिए हैं, और अपना ज्वेलरी जो मेरा है बॉक्स वो रख लिया, और फिर बाकी सारी परफ्यूम बॉटल्स और जो है ना लोशन वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरह से सेट कर ली हैं, तो ऑर्गेनाइज ज़रा हो गया ना। तो बस ये मॉर्निंग में मैंने आज ये काम किया है कि सबसे पहले मैंने किचन अपना क्लीन किया, उसके बाद फिर बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करवाया, उसके बाद फिर मैंने अपने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ना फिर आगे फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, हम दूसरे काम करने लगते हैं तो फिर ये काम रह जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ना रूम की थोड़ी ज़रा क्लीनिंग करनी थी। यहाँ पर ये हुज़ैफ़ा जो है ना, ये एक पाउडर का जो ऊपर बॉटल थी ना वो खोल के बैठा हुआ था, तो बस यहाँ पर सोफे के ऊपर ना ज़रा पाउडर हो गया था। मैंने सोचा चलो यहाँ से ना मैं पहले वैक्यूम कर लेती हूँ, वैक्यूम कर लूँगी तो ज़रा अच्छे से यहाँ से क्लीनिंग भी हो जाएगी। और ये है कि जो सोफे के ऊपर थोड़े बहुत कुछ पार्टिकल वगैरह गिर गए थे तो वो भी ज़रा हो जाएगा अच्छे से क्लीन ना। अच्छा, मदर्स की ना यही सिंपल रूटीन रहती है, मॉर्निंग से ना काम शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर आफ्टरनून टाइम तक तो मस्ट है ना, उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम आता है, मैं खाली सबके पास आता होगा थोड़ा सा रिलैक्स होने का जो लंच के बाद का होता है, उसके बाद फिर दोबारा से रूटीन वही शुरू हो जाती है। तो बस यही सिंपल रूटीन है हम सब मदर्स की ना। तो रूम देखिए यहाँ पर क्लीन हो गया था, मैंने सोचा चलें एक फ़ाइनल लुक इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। और
ये फिर मैंने ऑर्गेनाइज भी कर लिया अपना ड्रेसिंग टेबल, रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया, अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर हैं और न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें, इसी तरह से अच्छी वीडियोज़ आपको और आगे देखने को मिलेंगी। तो बस अब यहाँ पर मेरा ये रूम भी क्लीन हो गया है, इसके बाद मैंने किचन में जाना है और आज मैंने बनाना है चिकन कोरमा, क्योंकि ना फिर कुकिंग जल्दी कर लेना तो वो ठीक है, वरना गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब ज़्यादा टाइम किचन में भी नहीं बैठा जाता ना। तो अच्छा, मैं ना यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी थी कुकिंग, और मैंने सबसे पहले इसके जो प्याज है ना उसको इस तरह स्लाइसेस में कट करके ब्राउन कर लिया। ये देखें इतना बस ब्राउन होगा ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा और ना ही बहुत लाइट सी प्याज को ब्राउन करना है, नॉर्मल सा है, ठीक है? इसको प्याज ब्राउन करके और मैंने सारी प्याज एक प्लेट में निकाल ली है, और उसके बाद उसी ऑयल में ना मैंने चिकन ऐड कर दिया है, चिकन डालकर और फिर अच्छे से इसको वॉश करके, और इसकी मतलब नॉर्मल साइज़ की बोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है वो, और उसके बाद ना मैंने इसको वॉश करके यहाँ इस ऑयल में ना फ्राई करना है। अच्छा, ये इतना ही फ्राई फ्राई होगा कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसका जो आगे प्रोसेस है ना वो करेंगे। तो अब ये देखें इसको मैं ना फ्राई करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मैंने ना इसमें नमक भी डाल दिया था, नमक ऐड करके और फिर मैंने जो ये चिकन है ना इसको फ्राई किया है, तो ये है कि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाता है इस तरह से ना। और जब तक कि मेरा फ्राई होगा, एक साइड पर मैं ना ये बाकी जो है अपना आगे का काम वो कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो प्याज ब्राउन की थी ना वो इसमें ऐड की, टमाटर इस तरह से कट करके ना दरमियान से दो होते हैं वो, लहसुन और अदरक इसमें मैंने डाल दिया था और इसको ग्राइंड करना था। अच्छा, टमाटर जो है ना मेरे पास तकरीबन मीडियम साइज़ के ना 3 टमाटर मैंने लिए हैं, और बस अब इन सब चीज़ों को मैं इसमें जग में डाल के ना ग्राइंड कर लूँगी। पानी थोड़ा सा सिर्फ डालना है, क्योंकि टमाटर का अपना भी पानी होता है तो वो उसमें भी अच्छे से मतलब ग्राइंड हो जाता है, और सिर्फ इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से चल जाए, ऐसा ना हो कि वो मैं मशीन चलाऊँ और ये मेरा पेस्ट ही ना बने ना। तो बड़ा फाइन सा इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद मैंने ना 1 कप तकरीबन ना 1 या 1.5 कप मैंने दही लिया है, और वो इस तरह से कि आप पहले मेक श्योर कर लें कि ये ना फ्रिज का ना हो, रूम टेम्परेचर पर हो। तो बस इस तरह से मैंने इसको तकरीबन 1 कप, हाँ 1 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ना दही ले लिया है, और क्योंकि ये ना बॉक्स का होता है ना तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा मीठा होता है। मैं थोड़ा सा ज़रा इसका जो पानी है ना वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, चलो थोड़ा सा ज़रा खटासी होती है ना वो आ जाए इसमें। तो बस ये मैंने लेकर ना और इसके अंदर नमक ऐड किया है, और इसमें मैं पिसी हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड करूँगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए कि बच्चों ने भी खाना होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ना इसमें जो स्पाइसीज हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल तकरीबन मैं छोटा सा ये स्पून मेरा ना, तो ये रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर यहाँ पर कोरमा मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं होता इसलिए वो मैंने इस तरह से अंदाजे से डाल दिया था। और वैसे इसमें होता है लौंग और काली मिर्च ना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पिसी हुई लाल मिर्च बहुत थोड़ी डाली है ना, तो इसलिए बस थोड़ी सी मैं इसमें लौंग और थोड़ी सी जो काली मिर्च है ना वो डाल दूंगी, और फिर उसके बाद मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इतना अच्छा मिक्स होगा कि जो योगर्ट है ना उसके अंदर ये सारे मसाले अच्छे से ज़रा मिक्स हो जाएंगे, कोई लम्स ना रह जाए, और बहुत अच्छे से बस मिक्स करके ना ये दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई है। और इसके बाद अब मैंने अपना चिकन देखा तो चिकन भी मेरा अच्छे से फ्राई भी हो गया, इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो गया, और अब मैं इसके अंदर जो अपने सारे स्पाइसीज हैं ना वो इसमें डाल दूंगी जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर के साथ, वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। वो इसलिए कि ना इससे जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी बनती है, और और कोरमा जो देखने कोर में बड़ा मज़े का लगता है, मतलब होता है ना कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो फिर वो खाने का भी दिल करता है ना, तो बस यही एक टिप है कि ना इससे, और इसका पेस्ट भी बहुत ज़्यादा फाइन बनाना है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर मैंने जो जो योगर्ट में सारे स्पाइसेस ऐड किए थे वो सारे भी मैं इसके साथ ही मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देनी है, और उसके बाद फिर इसको भूनना है, ठीक है ना? वो इस तरह से है कि ना मैं इसको जब इस तरह से करती हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट ना इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद और फिर मैं ना इसके इसको पलटती
पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भुनाई तो जितनी ज़्यादा किसी भी खाने की बनती है ना, तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो फिर मसाले सारे आपस में मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। और यहाँ पर देखें मैंने ना अब इसको बस मीडियम फ्लेम पर ना पकने के लिए छोड़ दिया है, और बस इतना ही टाइम कि जितना टाइम आपका चिकन गल जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट में हमारा चिकन रेडी होता है, ठीक है, क्योंकि भुनाई भी हो चुकी होती है। और यहाँ पर ये देखें, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ इसी वजह से कि इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छे से, मतलब मैंने जो ग्राइंड किया था ना सारा मसाला वो हो गया था, तो इसलिए देखें अब यहाँ पर बस ये अभी भुनेगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, भुन जाएगा, तो बस यहाँ पर मेरा जो ये है ना कोरमा वो रेडी है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा दरम्यान में हल्का सा पानी डाल के ना आधा कप वो भी डाल के इसको मतलब कुक कर लिया था, ताकि अगर चिकन में थोड़े बहुत कोई कसर है तो वो भी इसमें ना पूरी हो जाए। तो बस यहाँ पर मेरा ना अपने व्लॉग में यहाँ पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अब बस थोड़ा सा ज़रा रेस्ट करना था, फिर खाना खिलाना था बच्चों को ना। तो नमक थोड़ा सा मुझे लग रहा था कम है, तो इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसका टेस्ट बहुत परफेक्ट, बहुत मज़े का आया था। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, इजी सी रेसिपी है, मेहमान आए या घर में वीकेंड पर बनाएं आप, बच्चे घर पर हों फैमिली के साथ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का बना था ये और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस अब मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर बच्चों को खाना खिलाना है, और उसके बाद फिर आपको पता है थोड़े से रेस्ट के बाद फिर जो है वो इवनिंग की एक रूटीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बस अब आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर लाइक कर दें, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।